जून का महीना जाते जाते भी आपके लिए मूवीज के रूप में कुछ उपहार लेकर आया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेकर पृथ्वीराज सुकुमारन तक की कुछ ऐसी मूवीज देखने को मिलेंगी जो आपके होश उड़ा देंगी। कौन कौन सी हैं ये ओटीटी मूवीज जिन्हें आज से आप देख पाएंगे रिस्पेक्टिव ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, गुरुवायूर अम्बालांदाइल। विपिन दास के डायरेक्शन में बनी मलयालम फिल्म गुरुवायूर अम्बालांदाइल में साउथ स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन आनंद का किरदार निभाते हैं। वहीं बेसिल जोसेफ के रोल में विनु नजर आएंगे। फिल्म एक ऐसे इंसान के इर्द गिर्द घूमती है जिसकी शादी होने वाली होती है, लेकिन बुरी किस्मत और परिस्थितियों के चलते वो एक ऐसी महिला से शादी कर लेता है जो उससे नफरत करती है और अंत में उसके गुस्से का शिकार हो जाता है। ये फिल्म 16 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी और अब आज से आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ में देख सकेंगे। नंबर 2, शर्मा जी की बेटी। ताहिरा कश्यप खुराना के डायरेक्शन में बनी पहली फिल्म शर्मा जी की बेटी की कहानी तीन महिलाओं साक्षी तंवर, दिव्या दत्ता और सयामी खेर के इर्द गिर्द घूमती है। तीनों ही अपनी जिंदगी में अपने वजूद की तलाश कर रही हैं। एलिप्सिस एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की इस फिल्म को खुद ताहिरा कश्यप ने लिखा और डायरेक्ट किया है। आज से आप इसे अमेजॉन प्राइम पर इत्मीनान से देख सकेंगे। नंबर 3, राउतू का राज। फिल्म राउतू का राज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दीपक नेगी का रोल निभा रहे हैं। कहानी राउतू के बेली गांव के इर्द गिर्द घूमती है जहां के एक ब्लाइंड स्कूल में वार्डन की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। ये खबर पूरे हिल स्टेशन में जंगल की आग की तरह फैल जाती है, जिसके बाद इस केस को सुलझाने में राजेश कुमार एके नरेश डिमरी उनकी मदद करते हैं। आखिर क्या है इस मौत के पीछे राउतू का राज, जान पाएंगे आप सिर्फ और सिर्फ Z5 पर। नंबर 4, द फैमिली स्टार। विजय देवराकोंडा और मृणाल ठाकुर की तेलुगु फैमिली ड्रामा और रोमांटिक एंटरटेनर फिल्म द फैमिली स्टार परशुराम ने लिखी और डायरेक्ट की है। फिल्म एक मिडिल क्लास फैमिली में पारिवारिक रिश्तों के उतार चढ़ाव को दिखाती है। कहानी गोवर्धन विजय के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके लिए अपने परिवार की खुशियां सबसे ऊपर है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में मृणाल ठाकुर के किरदार की एंट्री होती है तो चीजें काफी बदल जाती है। 5 अप्रैल को सिनेमा घरों में रिलीज हुई ये फिल्म अब आप जियो सिनेमा पर भी देख पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ फैमिली अफेयर। इस अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को डायरेक्ट किया है रिचर्ड लागरवेनेस ने और कहानी लिखी है कैरी सोलोमन ने। इस फिल्म में निकोल किडमैन, जैक एफ्रॉन, जॉय किंग, लिजा कोशी और कैथी बेट्स लीड रोल में दिखने वाले हैं। फिल्म एक महिला जारा के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी बेटी के साथ रहती है, साथ ही उसकी बेटी हॉलीवुड स्टार क्रिस कोल के लिए पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करती है। बाद में उसे पता चलता है कि क्रिस कोल का उसकी माँ के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन फिर क्या होता है ये जानेंगे आप नेटफ्लिक्स पर आज से ही। तो देखिए ये कुछ फिल्में हैं जो आज ही आपको OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिल जाएंगी। इसमें से कौन सी फिल्म के लिए आप हैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी ताबड़तोड़ वीडियोस के लिए देखते रहें इंडिया TV शोबिज़।